अपनी 5 साल की बच्ची के सामने एक पति ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल डाल दी। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक पति ने इतनी हैवानियत अपनी पत्नी के साथ की? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है कंधमाल जिले की। कंधमाल जिले में एक चंदन आचार्य नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर था। उसकी आज से 10 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है वैशाली। वैशाली की उम्र 35 साल के आसपास होती है। दोस्तों जो चंदन आचार्य होता है वह बिहार के चंद्रशेखरपुर गांव का रहने वाला है और वह ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है। अब उसके घर में एक 5 साल की नन्ही सी बच्ची ने भी जन्म ले लिया है। अब फिलहाल उसकी बच्ची 5 साल की हो चुकी है। दोस्तों ऑटो चलाकर वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता है और इसी तरह से उनका समय गुजर रहा है, लेकिन समय की उल्टी चाल चल जाती है और वह ऑटो चलाना बंद करके शराब पीना स्टार्ट कर देता है। अब वह रात दिन शराब में डूबा रहता है और जब उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो वह पड़ोसियों से मांग कर भी शराब पी लिया करता है और अपनी पत्नी के गहनों को और सामान को बेच करके वह शराब पीने लगता है। दोस्तों शराब की लत उसको इतनी बुरी लग जाती है कि हर रोज़ वह शाम को जब शराब पी कर आता है तो अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता है। रोज़ रोज़ उनके बीच में कलेश हुआ करता है, पत्नी को डंडों से मारा करता है। इसी तरह से अब उनका समय चल रहा था। एक अच्छा समय था जो गुजर चुका था और फिलहाल ये बुरा समय है जो फिलहाल चल रहा था। दोस्तों एक दिन वह शराब पी करके अपने घर आता है और जैसे ही वह शराब में उसके कदम डगमगाते हुए घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसकी पत्नी उससे झिल्लाकर लड़ने लगती है कि तुम रोज़ रोज़ शराब क्यों पीते हो, इस तरह से हमारा गुजर बसर नहीं होगा। तुम ऑटो अच्छे से चलाओ और घर में कुछ कमा करके लाओ। मैं सब्जी कहाँ से लाऊं? मैं तो ये सोच रही थी कि तुम शाम को सब्जी लेकर आओगे, अब मैं क्या खाने को बनाऊं? ना ही आटा है, ना ही दाल है, ना ही घर के अंदर कुछ सामान है। दोस्तों इस बात को सुनकर के चंदन आचार्य अपनी पत्नी वैशाली से जोर जोर से लड़ने लगता है और वह उसे मारने के लिए भागता है। दोस्तों कोने में खड़ी हुई एक लोहे की रॉड को उठाता है चंदन आचार्य और अपनी पत्नी के ऊपर वार करने लगता है। पत्नी को जोर जोर से जैसे पीट रहा होता है तो उसकी 5 साल की बेटी जोर जोर से रो रही होती है, यह सब नज़ारा देख करके। जब चंदन आचार्य अपनी पत्नी को पीट पीट कर थक जाता है तो फिर वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम रोज़ रोज़ का तुम्हारा किस्सा है, तुम्हें इससे चोट नहीं लगती, मुझे पता है। अब मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा कि तुम चिल्लाओगी, चीखोगी। फिर दोस्तों चंदन आचार्य अपने कमरे के अंदर जाता है और वहां से खाली पड़ी हुई शराब की बोतल को उठाकर लाता है और अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में उस बोतल को ठूस देता है, डाल देता है। उसकी पत्नी दर्द से चिल्लाने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है और फिर वह वहां से अपनी पत्नी को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर फरार हो जाता है। आस पड़ोस के लोगों को उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनती है, आस पड़ोस के लोग उसके घर में आते हैं और फिर उसकी पत्नी वैशाली को हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दोस्तों पुलिस आती है, गांव वाले उसका पता बता देते हैं, सारी घटना के बारे में बता देते हैं और पुलिस चंदन आचार्य को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो ऐसी घटना के बारे में? चंदन आचार्य अब जेल गया, उसकी 5 साल की बच्ची ने ये सारा कृत्य होते हुए अपनी आँखों से देखा, उसके दिमाग पर उसके भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा इस घटना से? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चंदन आचार्य को सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आखिर इस केस में क्या होना चाहिए लास्ट में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज बनाकर लेकर आता हूँ दोस्तों। और एक पति पत्नी का धर्म ये होता है कि अच्छी तरह से कमाएं, समाज में मान सम्मान प्राप्त करें और अपने बच्चों को अच्छी तरह से अच्छी परवरिश दें। लेकिन यहाँ पर जब ऐसी लत लग जाती है किसी को तो फिर उसका घर का बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाता है, यह फैक्ट है। तो इसलिए लोगों से अनुरोध है, दूर रहें ऐसी चीज़ों से, अपने घर को बसा कर रखें, अपने बच्चों में अपना मन लगाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, परिवार को समाज में परिवार का मान सम्मान बढ़ाएं। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ अपने चैनल तिरछी बात पलवल पर और हमारा दूसरा चैनल भी है तिरछी बात के नाम से। हम उम्मीद यही करते हैं कि आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लगते होंगे और कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर सीखने को जरूर मिलता होगा, यही हमारी कोशिश रहती है। नेक्स्ट वीडियो में वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।